हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फेदर इफेक्ट के बारे में। फोटोशॉप में एक होता है जो फेदर इफेक्ट, तो उससे क्या होता है और उससे हम क्या क्या फोटोशॉप में इफेक्ट दे सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फेदर इफेक्ट क्या है और इसको कैसे इसमें यूज़ करना है फोटो के ऊपर, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो पहले आपको फाइल में जाना है और फिर आपको न्यू एक फाइल लेना है, पेज लेना है। तो यहाँ से आप A4 साइज़ का ही रख दीजिए, फिर आप ओके करना है और फिर फाइल में जाना है, फिर किसी एक फ़ोटो को लेना है। तो यहाँ पे मैं ओपन में क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप में फ़ोटो रखा हुआ है तो यहाँ से मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ और फिर ओपन करना है आपको। तो ये फ़ोटो आ गया। किसी भी फ़ोटो को आप डायरेक्टली इस तरह से यूज़ नहीं करना है आपको। तो इस फोटो को मुझे क्या करना है, न्यू पेज में लाना है। तो ये जो मूव टूल है, मूव टूल को क्लिक करके इस फोटो को न्यू पेज में लाना है। उसके बाद इस मेन जो फोटो है इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि मेन जो फोटो है इसको अगर आप क्लोज नहीं करेंगे, इसको सेव कर देंगे या इसको आप कोई भी एडिटिंग करेंगे इसके ऊपर, तो वो मेन फोटो आप यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ करके उसको सेव कर देते तो वही फोटो जो है ओरिजिनल फोटो आपका जो है गायब हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, सेव नहीं करना है। तो अब जो ये फ़ोटो है यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और आपको अभी दूसरा फ़ोटो लेना है। तो मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, फिर ओपन, और यहाँ से मेरा एक फ़ोटो ले लेता हूँ, फिर ओपन। अब ये जो फ़ोटो मैंने लिया, अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर आपको ये जो यहाँ पे एलिप्टिकल मार्क टूल है तो इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये फेस का एरिया सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ही आपको राइट क्लिक करना है, आपको मूव टूल में नहीं जाना है, डायरेक्ट राइट क्लिक और यहाँ से आपको फेदर का इफेक्ट, फेदर लिखा हुआ दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। फिर फेदर रेडियस जितना भी है यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 50 रखता हूँ, फिर ओके। तो यहाँ पे जो मूव टूल है, फिर से मूव टूल में क्लिक करना है, फिर इसमें आपको क्लिक करके इस पेज में लाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इफेक्ट को देने के बाद ये जो फेस है यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो इसको आपको ऐसा लगेगा कि ये बैकग्राउंड से निकल रहा है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं फेदर इफेक्ट से आप और भी बहुत सारे इफेक्ट फोटो में बहुत सारा एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस